मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी में असीम आस्था रखता है। और ये तो मुझे लगता है कि विचित्र सी बात है कि कोई दूसरी पार्टी का नेता हमारा नेता कैसे हो। तो मेरा ये मानना है कि ये बयान हो सकता है उनका, लेकिन इससे कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता सहमत नहीं हो सकता। वो हमारे नेता अशोक गहलोत जी, हमारे नेता सोनिया गांधी, ये तो आप उनसे प्रश्न करिए। अब वो परेशान है, खुश है, वो तो वही जवाब दे सकते हैं उनके प्रति। रहा आरपीएससी के करप्शन की जहाँ बात थी, कितना सख्त कदम उठाया कि एक जो हमारे प्रतिनिधि थे उनको हमने बर्खास्त कर दिया, कार्रवाई शुरू कर दी। तो देखिए, जनता में विश्वास तभी पैदा होता है जब आप सरकार के रूप में जनता के साथ न्याय करने का काम करते हैं। पेपर लीक की बात है तो राजस्थान में बहुत कम हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब राज्यों में। ये कोई ऐसा नहीं है किसी राज्य की विशेष बात हो, ये एक टेक्नोलॉजी का एक दंश झेल रहे हैं हम लोग, और उस पर अंकुश लगाने के लिए नवाचार भी हुए। जो गलत काम हुए उनकी तो जाँच हुई है, खुद मुख्यमंत्री जी ने ब्यौरा दिया इसका। देखिए, अब ये उनका अपना निर्णय है और इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यदि हम लोग सब कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस के लिए काम करना है। जो मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया कर्नाटक में, वो किसी एक संगठन को लेकर नहीं किया गया। उसमें उसका सार ये है कि कोई भी ऐसा संगठन या ऐसी प्रवृत्ति जो विध्वंस फैलाना चाहती है, द्वेषता फैलाना चाहती है, उन लोगों के प्रति कठोर कार्रवाई होगी। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या है कि मुद्दा विहीन पार्टी, वो बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती, वो महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, वो अपराध पर बात नहीं करना चाहते, वो अपने नेक्सस जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। वो हर चुनाव को, मैंने कहा ना, धर्म और जाति के हिसाब से लड़ना चाहते हैं, कैसे भावनाओं का उद्वेलन हो उसके आधार पर लड़ना चाहते हैं।